बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इस बात को उत्तराखंड के बच्चे तो बखूबी जानते हैं, क्योंकि टीचर्स की हड़ताल के बावजूद इन दिनों उत्तराखंड के पौड़ी जिले के स्कूलों पर ताला नहीं है, बल्कि बच्चों ने खुद एक पहल करते हुए अपने जूनियर छात्रों को पढ़ाने की शुरुआत कर दी है। यह है पौड़ी जिले का राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज। यहाँ कुछ दिनों से क्लास में बच्चे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिन टीचर्स के कंधों पर इन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, और यही हाल सारे राज्य के स्कूलों का है। फिर चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हो या फिर इंटर कॉलेज, राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज के बच्चे जब हड़ताल से परेशान हो गए तो इन बच्चों ने खुद ही पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर दिया। सीनियर बच्चे जूनियर्स को पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए परेशान हैं, लेकिन टीचर्स को बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए सरकार ने गेस्ट टीचर्स को स्कूलों में रखा है, जो पूरी मेहनत से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए रिटायर्ड टीचर्स भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। उत्तराखंड में टीचर्स की हड़ताल कब खत्म होगी फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोट द्वार इंटर कॉलेज के बच्चों ने जो सबक हड़ताल पर गए टीचर्स को दिया है, शिक्षकों को उससे सीखने की जरूरत है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।